शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर खारिज कर दी है। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान है और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारों पर उन्हें सुनिश्चित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। वे बेहद गंभीर मामला है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों पर प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने जमानत याचिका पर विरोध करते हुए कहा है कि सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। वहीं ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं, ऊंचे पद पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर सकते हैं। ये भी कर रहे हैं कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आज सुनवाई हुई है। वहीं मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ है, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ईडी इस मामले में अब तक 4 चार्जशीट दायर कर चुका है, वही जल्द ही 5वीं चार्जशीट भी दायर करने वाला है। ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में सबूत छुपाने के लिए 14 फोन इस्तेमाल किए थे, जिसका अभी पता नहीं चल पाया है, जिसमें 14 फोन देवेंद्र शर्मा, सुधार जो है कुमार, जावेद खान और रोमान जो कॉप्सम नाम की कंपनी से खरीदे गए थे। लेकिन सिसोदिया 11 महीने से आईफोन 13 मैक्स प्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एलजी के आदेश के तुरंत बाद से इसे नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, इन्होंने जांच के दौरान बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि नष्ट हुआ फोन कहां पर है।